हर साल की तरह इस बार भी भगवान शिव की छड़ी यात्रा जो पंचभक्तर मंदिर रुपए वाले मंदिर से हर साल शुद्ध महादेव के लिए जाती है, इस बार ये पांचवी छड़ी यात्रा जो समिति की तरफ से 4 जून को इतवार सुबह 7 बजे पंचभक्तर मंदिर से भगवान शिव की भूमि सुदमादेव तक जाएगी। इस छड़ी यात्रा को जम्मू से रवाना करने के उपरांत ये छड़ी यात्रा नगरोटा में कोल कंडोली मंदिर के पास प्राचीन शिव मंदिर में इसका स्वागत होगा। वहाँ श्रद्धालु इस छड़ी यात्रा का स्वागत करेंगे और वहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। उसके उपरांत छड़ी की पूजा होगी और वहाँ से छड़ी यात्रा उधमपुर के लिए रवाना होगी। ये छड़ी यात्रा देविका जी मंदिर, प्राचीन मंदिर देविका जी में यहाँ छड़ी का पूजन होगा और वहीं से ये छड़ी यात्रा आगे का रास्ता तय करती हुई टोल्डी नाला, एक प्राचीन शिव मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, वहाँ पर इसकी पूजा होगी और उसके उपरांत छड़ी यात्रा चनैनी के समीप एक नई शिव गुफा निकली है, उस शिव गुफा के पास छड़ी यात्रा का पूजन होगा और उसके बाद छड़ी यात्रा चनैनी बाज़ार में पहुँचेगी। यहाँ चनैनी के निवासी जो हैं वो इसका स्वागत करेंगे और बस स्टैंड चनैनी पर जो एक प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ छड़ी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद छड़ी वहाँ से अपने सारे श्रद्धालुओं के साथ गौरीकुंड माता पार्वती जी का जो स्थान है वहाँ पर पहुँचेगी और वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं छड़ी का स्वागत करेंगे और छड़ी की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी के साथ वहीं से पूजा के बाद ये छड़ी यात्रा जो है ये सुदमादेव तक पहुँचेगी। सुदमादेव में छड़ी यात्रा जो है वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं इसका स्वागत करेंगे और छड़ी यात्रा के साथ भगवान के शिव मंदिर जो है शूलपाणेश्वर, भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पर छड़ी यात्रा का पूजन किया जाएगा। हम आभारी हैं प्रशासन के जिन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और उसके साथ साथ ही धर्मत ट्रस्ट जो है वो भी छड़ी यात्रा के स्वागत के लिए वहाँ पर होगा। यहाँ पर हम यहाँ जिला प्रशासन और उसके साथ पुलिस प्रशासन को भी मिले जिन्होंने आश्वस्त किया कि छड़ी यात्रा अच्छे तरीके से चले, इसके सुचारू इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। हम जम्मू शहर के सभी शिव भक्त जो हैं उनसे ये अपील करते हैं कि वो हर बार की तरह इस बार भी इतवार को 4 जून को सुबह 7 बजे छड़ी के साथ चलें और भगवान शिव के दर्शन करें। भगवान शिव की ये भूमि जो साक्षात यहाँ पर भगवान बैठे हैं और इस जगह का वर्णन जो है वो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं शिव पुराण है उसमें भी यहाँ का वर्णन हुआ है कि भगवान शिव की यहाँ पर शादी हुई थी माँ गोरा के साथ और किस तरीके से भगवान ने सुधांशु राक्षस जो थे उनका वध किया और जिस त्रिशूल से वध किया वही त्रिशूल आज वहाँ सुदमादेव में विराजमान है। इसके साथ ही गौरीकुंड में वो स्थल विराजमान है यहाँ माता गौरी ने भगवान शिव की पूजा की थी। इसके साथ ही इसके समीप यहाँ पर बेनी संगम एक ऐसा एक धार्मिक स्थान है जहाँ भगवान शिव की जो बारात थी वहाँ पर बारात का स्वागत किया गया था और उसके उपरांत आप देखें ये जो यहाँ पर ये जो सुदमादेव के आगे भगवान शिव की जो जगह है जहाँ भगवान ने माता पार्वती के साथ फेरे लिए थे, विवाह हुआ था मान तलाई, उस तलाई का आज भी आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव जो हैं माता गौरी के साथ यहाँ फेरे किए थे और वो तलाई भी आज वहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये ऐसा कहता हूँ कि
ये जो धर्म नगरी जो है सुध महादेव, ये प्राचीन यहाँ पर भगवान के शादी हुई, वहाँ पर हम ये छड़ी लेकर चलते हैं। ये प्रयास हमारा समिति का पिछले 5 सालों से है कि हम हर वर्ष जो है वहाँ पर छड़ी लेकर चलते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।